अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोटरसाइकिल के क्लच केबल की मदद से पानी की मोटर को चलाएंगे। यानी डीसी रूम कूलर का जो पानी का मोटर होता है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। सही है, तो पहले भी मैंने जो है ना इस पर दो तीन वीडियो बनाई है, और अभी जो है ना आखिर में मेरे जहन में एक ऐसा आइडिया आया है। जो मोटर नहीं होता है रूम कूलर में, जो पर घुमाता है हवा वाला मोटर, उससे जो है ना क्लच केबल की मदद से पानी की मोटर को चलाएंगे। यानी एक तीर से दो शिकार। तो ये आप देखें, ये रूम कूलर का मोटर है और क्लच केबल की मदद से हमने जो है ना पानी की मोटर को इसके साथ अटैच कर दिया। ये आप देखें, इस केबल के अंदर अपना तार होता है। जब वो तार घूमता है, वो इसे घुमाता है और ये पानी ऊपर चढ़ाता है। इसका काफ़ी अच्छा प्रेशर है। सही है, बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपके मोटर का स्पीड अच्छा होना चाहिए। सही है, सबसे पहले हमने ये वाला मोटर बनाया था। अगर आपने इसकी वीडियो देखी हो तो इसकी वीडियो काफ़ी वायरल हो गई, और अगर आपने इसकी वीडियो देखी है तो इसे मत बनाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंप्लेन आया था और ये सही नहीं है। तो फिर हमने इसके बाद एक और वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, उसमें हमने मोटर को यहाँ पर काट दिया था और शाफ्ट को हमने यहाँ से लगाया था, वो बिल्कुल सही है। उसको अभी मैंने अपने रूम कूलर में फिट किया, इसलिए मैं वो आपको नहीं दिखा सकता। उसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके बाद जो है ना, मैं इसका मुकम्मल तरीका आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। सही है, अच्छा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास डीसी रूम कूलर का वाटर पंप है 12 वोल्ट का, जो कि ख़राब है, और ये मोटरसाइकिल का क्लच केबल है, और ये इसका अंदर वाला तार है, और ये मेरे पास दो पत्रियां हैं जिनके बीच में मैंने होल किए हैं और साइडों पर भी मैंने होल किए हैं। ये आप देखें, सही है, और ये हमारा बलिनो मोटर का पिछले वाला हिस्सा है। ये आप देखिए, इससे मैंने खोल दिया है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है फिलहाल। अच्छा तो सबसे पहले हम जो है ना इन पत्रियों को बेंड करते हैं। ये जो बीच में मैंने होल किया है ना, इसको आपने बिल्कुल सेंटर पर रखना है और मोटर के कोनों के हिसाब से आपने इस पर निशान लगाना है, और फिर उसके बाद उसी निशान पर आपने इसे बेंड कर देना है। सही है, इसके बाद आपने दूसरी पत्री को उठाना है और उसके दोनों सिरों को भी आपने 90 डिग्री में बेंड कर देना है दोनों सिरों को। सही है, अच्छा इसको भी आपने बिल्कुल सेंटर में रख के अपने हिसाब से निशान लगा देना है, और यहाँ से दोनों साइडों को आपने बेंड कर देना है। ये हमारे जो है ना पत्री बेंड हो गई। सही है, इसके बाद आपने यहाँ पर इसे रखना है और मार्कर की मदद से आपने यहाँ पर निशान लगाना है, ताकि आपको पता हो कि मैंने कहाँ पर होल करने हैं। पीछे आपने ख्याल रखना है ताकि वहाँ पर कार्बन ब्रश के साथ ज़्यादा करीब ना हो। होल आपने ऐसी जगह पे करना है जहाँ पर स्क्रू लग सके। सही है, फिर आपने स्क्रू की मदद से इसको यहाँ पर टाइट कर देना है।
और इसी तरह दूसरा साइड भी। अच्छा, लकड़ी का एक पीस उठाना है और उसके बीच में होल करना है। होल बिल्कुल स्ट्रेट हो, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद बलिनो मोटर के पिछले वाले शाफ्ट में आपने इसे डालना है। और अगर होल आपने टेट किया है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर लूज़ है तो फिर आपने एल्फी की मदद से, आपने जो है ना लकड़ी का बूरा डाल के इसे एल्फी की मदद से फिक्स कर देना है। और इसी तरीके से पिछले साइड पर भी आपने छोटा सा होल करना है, ताकि ये केबल का जो वायर है ना, हम इसको यहाँ पर डाल सकें। इसके डालने के बाद हमने अभी यहाँ पर इसे जोड़ना है, तो उसके लिए फ़िलहाल मैं इसे खोलता हूँ, क्योंकि इसके खोलने के बाद हमें जो है ना थोड़ी सी आसानी होगी इसे जोड़ने में। अभी मैं आर्जी तौर पर इसे जो है ना यहाँ पर जोड़ता हूँ, लकड़ी का बूरा डाल के इस पे एल्फी डालता हूँ, ताकि हम इसे जो है ना मज़बूत कर सके बाद में। फिर उसके बाद आपने धागा लेना है और इसके ऊपर अच्छी तरह लपेट देना है। धागा लपेटने के बाद आपने इसके ऊपर एल्फी डालनी है। जब आप इसके ऊपर एल्फी डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा, पत्थर की तरह, और इसे वापस टाइट कर देते हैं। फिर और ये हमारा केबल है, हम इसे यहाँ पर काटते हैं। अगर आपको लंबा चाहिए तो आप लंबा भी काट सकते हैं, पूरा भी लगा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, सही है। हमें इतनी ज़रूरत थी तो हमने जो है ना इतना काट दिया है, सही है। और यहाँ पर आपने इसे डाल देना है। यहाँ पर डालने के बाद आपने इसको यहाँ पर फिक्स कर देना है। सही है। और अब इसे खोलते हैं यहाँ से। ये आप देखें अंदर से कितना गंद निकल आया। अभी जो है ना इससे ये मैग्नेट निकालते हैं, इसकी अभी हमें इसकी जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ये आप देखें। फिर उसके बाद जो दूसरी पत्री हमने बनाई थी उसको यहाँ पर फिट करना है। फिर इसको आपने बिल्कुल बीच में रखना है, ताकि बाद में आप इसकी एडजस्टमेंट कर सके, सही, आगे पीछे कर सके इसे। इसके बाद मैं एक और लकड़ी का टुकड़ा लेता हूँ और इसके बीच में होल कर देता हूँ। होल करने के बाद इसको थोड़ा सा गोल करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। ये आप देखें, बीच में मैंने होल किया है और इसे गोल करके यहाँ पर आपने इसे फिट करना है। थोड़ी सी एल्फी भी आपने डाल देनी है, ताकि
ताकि लीक वगैरह बंद हो जाए। अच्छा, इसके बाद आपने इसके आर पार एक होल करना है। सही है। और इसके बाद जो क्लच वायर है इसको यहाँ पर डाल देना है और स्क्रू जो है ना दोनों साइडों पर आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो ये हमारे यहाँ पर टाइट हो गया और इसको यहाँ पर अभी हमने फिक्स करना है। इसका होल थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पर निशान लगा के यहाँ पर आपने जो है ना धागा लपेटना है। बाद में हम इसे इल्फी की मदद से यहाँ पर फिक्स करेंगे। सही है। धागे को मैं यहाँ पर लपेटता हूँ। ये आप देखें, ये भी इसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल टाइट। और इसके बाद आपने एल्फी डालनी है और ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा। इसके बाद आपने इस वाले होल को भी अपने वायर के हिसाब से खोल देना है। और इसको यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है। ये आप देखें, ये यहाँ पर निकल आया। ये जितना भी ज़्यादा निकलेगा आपका फ़ायदा है क्योंकि ये यहाँ से खुलेगा नहीं। और वापस इस पर स्क्रू टाइट कर देते हैं। अच्छा, इसके जो अंदर प्रोपेलर थे ना वो सफ़ेद, वो बिल्कुल इसके सामने होने चाहिए, तब आपका प्रेशर अच्छा होगा। और यहाँ पीछे से आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी अगर सामने नहीं है तो आप इसे आगे पीछे करके यहाँ जो है ना सामने कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है। सही है। तो अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये आप देखें, यहाँ पर इसका कम प्रेशर है। इसके बाद मैं इसे रूम कूलर में फिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका कितना ज़्यादा प्रेशर है। और आवाज़ आप चेक करें, बिल्कुल साइलेंट है, कोई आवाज़ नहीं है इसका। ये आप देखें, अच्छा ये आप देखें, मैंने इसको यहाँ पर इस मोटर के साथ यहाँ पर बांध दिया है आर्जी तौर पर। अभी मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, पैप को मैंने फिट कर दिया है। सही है। अच्छा ये आप देखें, मोटर हमारा चल रहा है और पानी की प्रेशर चेक करें, चाइना मोटर का जो है ना इतना प्रेशर नहीं होता। तो इससे पाइप निकालता हूँ और आपको इसका प्रेशर दिखाता हूँ। ये आप देखें, यहाँ पर इसका काफ़ी सारा काफ़ी अच्छा प्रेशर है। पता नहीं क्यों, वहाँ पर तो इतना प्रेशर नहीं था। शायद इसका केबल अभी यहाँ पर सीधा है या इस वजह से।
بہت زبردست پریشر ہے اس کا، میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ اسے بنا لو، آپ کی جو ہے نا جان چھوٹ جائے گی۔ تو ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔